आदमी ने हमको बोला तुम वीडियो में आया और तुम्हारा उंगली ऐसा, तो बहुत गुस्सा था। हम गुस्सा कैसा नहीं होएगा जब हम देखेंगे कोई गरीब से चोरी करते। इन लोग नहीं सोचते ये एजेंसी लोग जो किधर भी होएगा, ये गरीब को झूठ बोल के बोलते आओ इतना पैसा दियो तुमको दुबई में काम मिलेगा, और लोग विजिट वीजा देते हैं उन लोग को, और बेचारा लोग इधर आते पछता है क्योंकि 2 महीना का वीजा भी है, 3 महीना का वीजा भी है। बस अगर खलास हो गया तुम्हारा वीजा, तुम हर रोज तुम्हारा जुर्माना है। और ये बेचारा गरीब नहीं जानते, वो तो एजेंसी तो उसका पैसा पकड़ा, तुम नहीं सकते किधर भी शिकायत करेगा। ये याद रखो, विजिट वीजा में तुम नहीं सकते शिकायत करेगा क्योंकि तुम विजिट वीजा में। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग संभालो, थोड़ा अकल से काम करो, देखो क्या गलत है क्या। नहीं सीधा वीजा दियो पैसा पकड़ो, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, तुम लोग थोड़ा सोचो। और बहुत आदमी हमको बोलते हैं तुम किधर काम करते। यार हम कोई गवर्नमेंट में काम नहीं करते, ये हमारा गरीब लोग का, हमारा दिल दर्द करते गरीब लोग के लिए, इसलिए हम ऐसा बात करते। हम किधर काम नहीं करते क्योंकि हम हिंदी मालूम है इसलिए हम बात करते, उर्दू मालूम है इसलिए हम बात करते। सब का हम मानते गरीब लोग को हेल्प करेगा, लेकिन नहीं हेल्प करेगा कि हम पैसा देगा या हम बोलेगा आओ हमारा पास काम करो। नहीं, हम मानते इन लोग को रास्ता दिखाएगा, साफ रास्ता दिखाएगा। तो किसी का भरोसा मत करो। आजकल बेटा बाप से चोरी करते हैं, भाई भाई से चोरी करते हैं, तो तुम लोग क्या चीज है? इन लोग तुमको चोरी नहीं करेगा? यार चोर लोग से बचो, चोर लोग से बचो। सबसे पहली बात मैं इनके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, ये बहुत बड़े टिकटॉकर हैं और लेबर के प्रति ये इतने अच्छे अच्छे विचार देते हैं ताकि कोई भी भाई जो है लेबर हो चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो कहीं फंस मत जाए। एजेंट के चक्कर में लोग झांसे में आ जाते हैं, इसलिए जो शेख है हमेशा अपडेट देते रहते हैं, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। दुबई के शेखों ने नसीहत दी है क्योंकि राम भजन कर रहे थे। मैं आपको एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जो आप देख के चौंक जाएंगे कि जो है शेख ने मतलब कि भजन गा के सबको चौंका दिया है। वो वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कि आप देख के चौंक जाएंगे, जिन्होंने जो राम का भजन किया है। पहले आप वो वीडियो क्लिप देख लीजिए। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, मेरी मंकी गंगा, मेरी मंकी जमुना का, और राजा बोल وابدى ابتسامة فلما تبسمت سند الحسام تعرض نحوي وابدى ابتسامة فلما تبسمت سند الحسام فناديت يا من وتمت البرايا فلا تكتل صب ظلما حرام فلا تكتل صب ظلما बोल संगम ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है? क्या वाकई में मुस्लिम शेख होते हैं? क्या वाकई में भजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये बात में सच्चाई है क्योंकि यहाँ देखिए, दुबई हो, कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, कोई भी गल्फ कंट्री है, जो भी इस्लामिक स्टेट है उसमें ये सब मायने नहीं रखता है। वहां पर सब एक समान होते हैं। वहां पर बहुत सारे शेख जो है हिंदी बोलते हैं, जो कि वहां पर मालूम होगा कि दुबई में हिंदू मंदिर की स्थापना हुई है, और भी बहुत सारे जगह है जहां भी हिंदू मंदिर की स्थापना हुई है।
इसी के प्रति जो है सिखों जो है भजन गाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी सारी अपडेट आपको दे दी है। तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।